हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुचिर चौहान में। आज जो है हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, मेनली सिंपल पेंडुलम। आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पे क्लास 11th में आपके कोर्स में भी है सिंपल पेंडुलम, और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम की हम हेल्प से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मान हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग द सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ एंड आल्सो कैलकुलेटिंग इन सिंपल पेंडुलम द परसेंटेज एरर। ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, परसेंटेज एरर के साथ साथ हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो एपरेटस हमारे कौन कौन से रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक स्मॉल, देखिए यहाँ पे एपरेटस जो है हमारे, एक स्मॉल हैवी स्पेयर, एक बॉब हमें जरूरत पड़ेगी, एक स्पेयर की जरूरत पड़ती है, विद ए हुक, एक हुक होगा उसमें। ठीक है, क्लैंप स्टैंड होना चाहिए वहाँ पे, एक थ्रेड होनी चाहिए, एक मीटर स्केल होना चाहिए एंड एक वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसके बाद टाइम को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे स्टॉप, ठीक है, स्टॉप क्लॉक का भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप क्लॉक की जगह आप लोग आज की तारीख में मोबाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू भी हम यहाँ पे स्टॉप क्लॉक की जगह हम यहाँ पे मोबाइल, जो आपका मोबाइल जो आता है उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड टी बराबर 2π टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यह फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, टी बराबर 2π टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। यहाँ से उसको सॉल्व करके हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू जी इक्वल टू 4π स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, थ्रेड की वैल्यू पता होनी चाहिए और यहाँ पे टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल पेंडुलम हमारे काम करता है। तो सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट है एक वर्नियर कैलिपर की, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका बॉब यहाँ पे टंगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और हमें जो ये थ्रेड लगी, ये आपकी ये थ्रेड है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हेल्प से, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम यहाँ पे इसका बॉब का डायमीटर मेजर कर लेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर आप सभी को आता ही होगा, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से यहाँ पे हम इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे। ये लगभग आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमने इस बॉब का डायमीटर मेजर कर लिया, वो आ रहा है आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मानते हैं इसकी थ्रेड जो है आपकी 100 सेंटीमीटर की है, तो आपका डायमीटर आपका अगर मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपकी रेडियस कितनी होगी, 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो टोटल कुल लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 100 प्लस इसकी रेडियस, तो 101.25। ठीक है, इतनी इसकी लेंथ हो जाएगी कुल। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसका किस तरीके से आप यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे मेजर करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस पेंडुलम को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे में ले गया और इसको मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे ये पूरा एक रेवोल्यूशन है, मतलब जब ये यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जब फिर लौट के आएगा तो जो टाइम लेगा ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे 25 रेवोल्यूशन करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे इसके 25 रेवोल्यूशन करेंगे, और स्टॉप क्लॉक की हेल्प से यहाँ पे हम उसका टाइम मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस तरीके से ये 25 रेवोल्यूशन करेगा। ठीक है, 25 चक्कर काटने में कितना टाइम मेजर लगाएगा उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, देन हम मैं आपको उसके बाद आपसे टेबल बताऊंगा कि किस तरीके से हम टेबल की हेल्प से यहाँ पे जी की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से निकालना है। पहले तो हमें 100 सेंटीमीटर लेंथ चाहिए, उसके बाद क्या करते हैं, हम लेंथ तो कुछ कम कर लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 90 सेंटीमीटर, फिर 80 सेंटीमीटर और फिर 70 सेंटीमीटर। तो अलग अलग लेंथ पे हम यहाँ पे टाइम पीरियड हम यहाँ पे इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा समझ में आ गया कि आपको अलग अलग जो आप लेंथ लेंगे, पहले मान लो 100 सेंटीमीटर, फिर आपको 90, फिर 80, फिर 70, इस तरीके से अलग अलग लेंथ पे आप यहाँ पे टाइम पीरियड निकालेंगे, एंड देन जो आपको मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसकी हेल्प से यहाँ पे हम जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ इसका हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। हाँ, तो आप यहाँ पे इस एक टेबल देख सकते हैं,
टेबल में क्या करे तो आपने डायमीटर निकाला, स्क्वायर का मान लिया 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर निकाला आपने, ठीक है, वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। उसके बाद उसकी रेडियस निकाली, रेडियस क्या हो जाएगी डी बाई टू, कितनी हो जाएगी 1.25, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसका सीरियल नंबर, हम यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बार हम यहाँ पे इसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड हमने कितनी मान ली, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ हमारी क्या होगी, एल स्मॉल एल बराबर क्या हो जाएगी, जो टोटल लेंथ है आपकी थ्रेड की वो प्लस रेडियस, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, देख सकते हैं यहाँ पे 101, जूम कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये होगी आपकी इफेक्टिव लेंथ थ्रेड की, और प्लस जो आपका बॉब वहाँ पे लटका हुआ था उसकी क्या होगी रेडियस में हो जाएगी, तो टोटल लेंथ होगी उसकी 101.25, ठीक है। फिर टाइम फॉर मेजरमेंट, टाइम फॉर 25 ऑप्शन में मान लो उसने बॉब ने 25 चक्कर कितने टाइम में निकाले वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। यहाँ पे हमने मान लिया कि कितने टाइम से आया 51 सेकंड में यहाँ पे 25 चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, ये टी बराबर टी अपॉन 25, ठीक है, कितना आ गया 2.04। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया आपका 2.0। देन हमने क्या किया इस चीज का स्क्वायर कर दिया एंड एल अपॉन टी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जर्वेशन लेंगे हम यहाँ पे, वो आप देख सकते हो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे वो हमने किया 90 सेंटीमीटर पे, तो इफेक्टिव लेंथ होगी हमारी 91.25। फिर हम यहाँ पे इतनी लेंथ पे कितना टाइम में वो 25 चक्कर काटता है, देन उसके बाद हम कैपिटल टी की वैल्यू निकालेंगे, टी बराबर जो इतना टाइम लिया डिवाइड बाई 25 एंड टी स्क्वायर एंड देन अगेन फाइंड द एल अपॉन टी स्क्वायर। तो सिमिलर वे में इस तरीके से हम पांच और ऑब्जर्वेशन लेंगे, जैसे हमने पहले 100 सेंटीमीटर, फिर 90 सेंटीमीटर, फिर 80 और फिर 70 और फिर 60, तो इस तरीके से आप अलग अलग लेंथ पे आप यहाँ पे टी स्क्वायर और एल अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आप यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे ये पूरी टेबल आप बना सकते हो, इसलिए मैं आपको ये पूरा घुमा देता हूँ एक बार, आप पॉज करके पूरी टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ये पांच बार रीडिंग ली, ठीक है। देन ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद हम यहाँ पे ठीक है जी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई जो वैल्यू हमारी आ गई उसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हो गया टी स्क्वायर और यहाँ पे हो गया एल, जो हमने एल लाइन निकाली थी और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वैल्यू एल की आई है, जो वैल्यू एल है उस पर हमारे टी स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो रखेंगे, ऐसे एल वन एल टू एल थ्री जो जितनी भी वैल्यू हमारी एल की आई है उसको हम प्लॉट करेंगे, तो कुछ ग्राफ इस तरीके का हमारा बन जाएगा, ठीक है, जो आप देख सकते हैं। फिर क्या होगा जी का हम फॉर्मूला लिखेंगे, जी बराबर 4π स्क्वायर सी ए, सी ए हमारी क्या हो गई लेंथ, जैसे आपको पहले भी फॉर्मूला देखा था एल अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी हमारी लेंथ हो गई और यहाँ पे हमारा हो गया ठीक है, और ये ए बी, ए बी यहाँ पे क्या हो गया हमारा ए बी, यहाँ पे हो गया हमारा टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू रखेंगे, ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे फाइनल वैल्यू माइनस नीचे वैल्यू, ऐसे ही हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, इस पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस दिस, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो लगभग लगभग हमारी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही वैल्यू होती है हमारी एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी की। इसके अलावा अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप इजीली आप यूनिट्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इसका आप एरर, अगर यहाँ पे निकालने चाहते हैं परसेंटेज एरर, तो भी हम यहाँ पे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन हुआ है, ये आप देख सकते हो, इसकी रीडिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज एरर भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हाँ देन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे 9.81 आपकी क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू सबको पता है, माइनस जो आपके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आई है वो डिवाइड बाई आपकी ओरिजिनल वैल्यू 9.81 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालेंगे। अभी इस केस में अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें वैल्यू लगभग 9.81 ही आ रही थी, उस केस में अगर 9.81 माइनस 9.81 करोगे तो जीरो ही आ जाएगी, बट नॉर्मली इतना नहीं आता, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ कम ज़्यादा आएगी जो भी रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वैल्यू कुछ ना कुछ कम आएगी, 9.81 है तो कुछ सकता हमारी वैल्यू 9.80 आए या 9.7 आए, 9.6 आए या 8.9 आए, तो उस केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आपको दिखेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे एरर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि और भी आपको एक्सपेरिमेंट्स में आगे लाता हूँ।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।